अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको खुश आमदीद कहते हैं माय मास्टर क्रिकेट कोच यूट्यूब चैनल और सभी अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके मिजाज अच्छे होंगे। और पाकिस्तान जिस तरह मैच हारा है उसके बाद काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं, काफ़ी राय हैं, काफ़ी जो फैंस हैं उनकी, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं कुछ उनकी, कि क्या हम कप्तान चेंज कर दें, ड्यूरिंग द सीरीज ही चेंज कर दें, अजहर अली को हटा दें, किस कम्बिनेशन के साथ जाएं हम अगले मैच में। माइंडसेट जो इनका है, जो कि ऑब्वियसली इतना हाथ में आया हुआ जो मैच हम हारे हैं, तो उसके बाद जो टीम का जो मोरल है, जो माइंडसेट है, उसको बेहतर कैसे किया जाए। तो उसके अलावा बेन स्टोक्स बाकी दो मैचेस नहीं खेलेंगे, वो बड़े वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं, उनका ना होना ये पाकिस्तान के लिए क्या फायदेमंद है कि नहीं है, इन सारे टॉपिक्स में हम आज बात करेंगे। सभी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है आप? अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं कि जी अजहर को कप्तानी से हटा दिया जाए ड्यूरिंग द सीरीज, आप क्या समझते हैं, ये क्या अच्छा फैसला होगा, या आप समझते हैं कि जो टीम का पहले ही मोरल डाउन है मजीद डाउन हो जाएगा? नहीं, देखें, नो डाउट के अजहर अली के से जो है वो काफी सारे मेजर ब्लंडर्स हुए हैं। आप 115-117 पे 5 खिलाड़ी आउट करने के बाद फिर आप अगर आउट नहीं कर सके हैं उसमें कैप्टेंसी का रोल आता है, सही है। लेकिन ये जो अब इतनी ज्यादा बात हो रही है इस चीज के ऊपर कि कप्तान चेंज कर दिया जाए, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत चीज है। अब ड्यूरिंग जो है सीरीज टेस्ट मैच हो रहे हैं और इसमें अगर आप ये इसको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप कप्तान चेंज करें। यस, कप्तान के साथ बैठ के आप प्लान करें, आगे स्ट्रेटेजी बनाए अगले टेस्ट मैच के ऊपर, अपने बॉलिंग यूनिट के साथ बैठे, अपने बैटिंग यूनिट के साथ बैठे और उसको प्लान करें। और कप्तान के साथ बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कशन की जरूरत है कि आप कैसे जो है अगले टेस्ट मैच में अंदर आपने क्या क्या चीजें करनी है। तो कप्तान की जो रिप्लेसमेंट है वो आउट ऑफ चांस है और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आप एक तो लगेगा कि पाकिस्तान डेस्परेट हो गया, पाकिस्तान ने पैनिक बटन दबा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है कि अगर आप सीरीज के दौरान या कप्तान चेंज करें, अनफिट हो जाता है या वो कोई और वजह के साथ वो टेस्ट मैच ना खेले तो वो एक डिफरेंट चीज है, कोई और उसको कप्तान रिप्लेस करे। अदरवाइज उसको जस्ट बिकॉज कि आप पहला टेस्ट मैच हार गए हैं आप कप्तान चेंज करें, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना वाइज फैसला नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है और बात भी ठीक है। ड्यूरिंग द सीरीज हटाना जो है बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका भी मोरल डाउन होगा, इनसिक्योरिटी मैं समझता हूं कि टीम में आ जाएगी हर खिलाड़ी की अपनी अपनी, के ये तो एक मैच हम हारे हैं तो हमारा कप्तान ही चेंज हो गया तो हमारा क्या होगा। तो दूसरा जी, टीम कम्बिनेशन की बात, उस पर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए या 5 के साथ जाना चाहिए, क्या कम्बिनेशन देख रहे हैं, 7-4 का देख रहे हैं या 5-6 का देख रहे हैं? देखिए, इसमें अब जो भी फैसला पिछले टेस्ट मैच में मैनेजमेंट ने किया, 2 स्पिनर्स के साथ वो गए, सही है, लेकिन अब 2 स्पिनर्स को उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। ये एक मेजर मिस्टेक जो है ये अजहर अली से हुई है, सही है। अगर 2 स्पिनर्स खिलाए हैं तो वो फिर दूसरे स्पिनर्स के साथ उसको भी बॉलिंग करवाते, उसको भी लंबा लेके जाते और अपने डिसीजन को जस्टिफाई करते। तो अब ये खाम खा अपने ऊपर एक ज्यादा ब्लेम लगवा लिया है या अपने ऊपर इतना क्रिटिसिज्म करवा लिया है कि उसको बॉलिंग ना करवा के, बुरी बॉलिंग करता वो एक डिफरेंट इशू था, लेकिन आपने जब उसको खिला लिया तो फिर आपको उसके साथ फिर उसको फिर चांस पूरा, क्योंकि वो एज ए सेकंड स्पिनर खेला है, बैटिंग में वो अगर कुछ कर गया तो वो एक बोनस है या वो एक उसका एक्स्ट्रा एक एफर्ट थी। लेकिन अब आपने अगले मैच का जो कम्बिनेशन देखना है कि क्या आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, या आप 5 बॉलरों के साथ जाएंगे, या आप 4 बॉलरों के साथ जाएंगे। तो मेरा ये जाती ख्याल है कि अगले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को एक बैट्समैन डालना चाहिए और 4 बॉलरों के साथ जाना चाहिए। उसकी क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जितने कम ऑप्शंस कप्तान के पास होंगे तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, उसको पता होगा कि यही 4 मेरे बॉलर हैं, इन्हीं 4 बॉलरों को मैंने यूटिलाइज करना है। यासर शाह को पता है कि आई एम द ओनली स्पिनर इन द टीम, अब मैंने ही जो है वो 10-11 आउट करके देने हैं तभी टेस्ट मैच जीतना है। फास्ट बॉलर 3 खिलाए, तीनों को वो कंफर्टेबल होगा कि अब थोड़े लंबे स्पेल हो जाएंगे, लेकिन आप जब कोई भी बॉलर की इतनी फिटनेस होती है कि वो 25 ओवर या 27 ओवर 28 ओवर वो फास्ट बॉलर को भी टेस्ट मैच में आप कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, कोई ह्यूमिड नहीं है,
कि फास्ट बॉलर स्ट्रगल करेगा, तो मेरा ख्याल है कि चार और सात के साथ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। जॉब आपने सुन लिया काफी कॉम्प्रिहेंसिव के साथ, और चार चार प्रॉपर बॉलर और बाकी बैट्समैन, बैटिंग जो है वो भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। सभी साहब, रमीज राजा साहब ने पिछले दिनों बात की है कि फवाद आलम वो अब उनकी बजाय हैदर अली जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनको ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए, लेकिन क्या आप समझते नहीं कि एक ज्यादती है खिलाड़ी के साथ जो मुसलसल 8-10 सालों से हो रही है? तो चले पास में अगर मौका नहीं बना, मिसबा और यूनुस थे मिडिल ऑर्डर में, चांस नहीं बना, उनके जाने के बाद भी उनको मौका नहीं मिला, तो अभी क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? अभी भी उसको मौका नहीं देंगे क्या? ये नहीं देखें, ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा। हैदर अली यंग है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, और उसको अब बनाना है। ठीक है, इतनी जल्दी खिला के, हमने हमारे पास हिस्ट्री भरी पड़ी है इस चीज से कि आपने जल्दी जल्दी टेस्ट मैच खिलाए, जल्दी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट कई प्लेयरों को खिलाई है, और उसका कैरियर बड़ा शॉर्ट हुआ है। हैदर अली जो है इसने लंबा खेलना है पाकिस्तान के लिए, इसको इस टूर से टीम के साथ रहना, टीम के साथ कैरी करना, उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक ब्रेक थ्रू है उसके आने वाले कैरियर में। वो इतने सीनियर प्लेयर्स के साथ शेयर कर रहा है, इंग्लैंड की टीम को देख रहा है, इंग्लैंड की कंडीशंस को देख रहा है। यस, T20 में उसको चांस मिल सकता है, T20 उसको खिलाना चाहिए, लेकिन अभी टेस्ट मैच में अब अगर 6 बैट्समैन जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फवाद आलम अब डिजर्व करता है, फवाद आलम को ही अगला टेस्ट मैच जो है वो खेलना चाहिए। अब हैदर अली वाला जो है वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि हमें अब जो है ना एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, हमें अब थोड़ा सा जरूर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स का ये मतलब नहीं है कि आप एक यंग बच्चे को ला के खिलाएं और उसको जो है ना आप उसका कैरियर एट स्टेक हो जाए। ये तो एक किस्म का एक गैम्बल है ना, कर गया तो वाह वाह, नहीं किया तो फिर सारे कहेंगे यार ये क्या प्लेयर है। तो इसलिए उसको आराम से तसल्ली के साथ उसको पूरा तैयार करके, भी तो फवाद आलम गया ना, अभी भी उसको नहीं खिलाएंगे, नहीं खिला देंगे जो बच्चा भी आ रहा है उसको, और फवाद आलम इतने अच्छे से जो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, अभी भी ये वाली जो बात करना, मेरी तो इसकी मंतक समझ नहीं आ रही। बहरहाल आपने काफी बात कर दी इस पे। सभी साहब, बेन स्टोक्स मैच विनर और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, ऑलराउंडर, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, लाजवाब है। तो अब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो बाकी ये दो टेस्ट मैचेस हैं इंग्लैंड के, उसमें वो नहीं होंगे, वो फैमिली रीजंस की वजह से वो न्यूजीलैंड चले गए जाएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है? ये देखिए, बेन स्टोक जो है वो बड़ा एक इम्पैक्ट प्लेयर है। हाँ, बेन स्टोक जो है वो इस वक्त इंग्लैंड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, और कोई भी कप्तान, कोई भी टीम मैनेजमेंट या कोच वो नहीं चाहेगा कि वो बेन स्टोक्स ना खिलाए। सही है, चाहे वो उसने इस मैच में कुछ किया या नहीं किया। हाँ, लेकिन उसकी जो रेपुटेशन है, उसके जो स्किल्स हैं, वो किसी वक्त भी पूरा टेस्ट मैच चेंज कर सकता है। इंग्लैंड की और पाकिस्तान की टीम में जो मेजर फर्क है वो यही है कि पाकिस्तान के पास मैच विनर्स कम है, इंग्लैंड के पास जो है वो मैच विनर्स ज्यादा है। सही है, और बेन स्टोक इज वन ऑफ द मैच विनर प्लेयर जो है वो इस वक्त उनकी टीम में है, उसका पाकिस्तान को बिल्कुल जो है ना वो एक एडवांटेज जरूर होगा। हाँ, अब उस पाकिस्तान उस एडवांटेज का फायदा उठाए या ना उठाए वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन कोई भी जब की प्लेयर किसी भी टीम का देखे ना, ये ऐसे ही है जैसे अगर बाबर आजम ना खेल सके अगला मैच। हाँ, तो वो आपको उसका एकदम से आपकी टीम के ऊपर एक फर्क पड़ता है। Exactly. तो एब्सेंस ऑफ बेन स्टोक जो है वो इंग्लैंड के लिए एक सेटबैक है और पाकिस्तान के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है। बिल्कुल, वो इतना वैल्यूएबल है कि अगर उसने बॉलिंग नहीं करवाई तो उसको इंग्लैंड वालों ने एज अ बैट्समैन टीम में रखा होगा, तो अब उसके अंदाजा लगाइए कि कितनी अहमियत है उसकी, और बिल्कुल इसका जो फायदा पाकिस्तान को उठाना भी चाहिए। सभी साहब, 13 तारीख को मैच है, बस एक दो मिनट में बताइए कि अब माइंड सेट जो है कैसे चेंज करें, कैसे उठाएं कि जो मोरल डाउन है, जीता हुआ मैच हम हार गए हैं, उसके बाद अब 2-3 दिनों में क्या ऐसा जो कप्तान है, टीम के जो लड़के हैं सारे, वो जो खास तौर पे जो मैनेजमेंट है, कोचेस, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग और हेड कोच, क्या ऐसा करें कि जो टीम का जो मोरल है वो जरा बूस्ट अप हो जाए? देखें, एक तो पहली चीज है कि थोड़ा सा मेरा ख्याल, आई होप कि कल इन्होंने रेस्ट किया होगा, जाहिर है कल ट्रैवल करके वो दूसरे वेन्यू पे गए होंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारें। ठीक है, एक दूसरे के डिस्कशन जो है वो एक प्रेशर को कम करती है। ठीक, जितना कोशिश करें कि
पिछले मैच को वो भूलने की कोशिश करें, जो कि एक डिफिकल्ट काम है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। ये मुश्किल होता जा रहा था, वो जो खेले वो जो खेले हैं, देखिए ये हमारे फैंस हैं, जो हमारे व्यूज हैं, ये जो चीज बात जो ये भूल जाते हैं कि जाहिर है कि इस वक्त हर बंदा डिसअपॉइंटेड है। तो अगर हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं तो क्या जो प्लेयर खेल रहे थे, ठीक है, क्या जो मैनेजमेंट बाहर बैठी है वो हमसे डबल डिसअपॉइंटेड है, वो हमसे डबल जो है वो वरीड है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस वक्त जो है वो आपको बिल्कुल एक अपने आप को काम करना है, इसलिए उसको बुलाना है और अगले को सोचना है। प्लेयरों के साथ बैठ के बात करने वाली बात है, इकट्ठे टीम में बैठे, अच्छा एक एटमोसफेयर क्रिएट करें, टेंशन को दूर करें, लतीफे सुनाएं, गाने सुनें, कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन उस प्रेशर को कम करें। और सबसे जो टीम मैनेजमेंट का मेरा ख्याल है जो रोल है कि जितना कम से कम प्लेयर्स जो है सोशल मीडिया देखें या वो टीवी देखें उतना ज्यादा प्रेशर कम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे है। तो लड़कों को सबसे पहले एडवाइस ये करें उनके वाईफाई बंद करें, जो है ना भाई सोशल मीडिया पे नहीं जाना। और जो जिससे प्लेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है कि वो घर जब कांटेक्ट करते हैं तो घर वाले कहते हैं यार फलाने ने ये कह दिया है, फलाना ये कह रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर जो है वो टीम के ऊपर बिल्ट अप होता है। तो उसको नहीं करना चाहिए, उनको मीडिया से, उनको सोशल मीडिया से, उनको टीवी चैनल से थोड़ा सा कट ऑफ करना चाहिए, सही है, उनको रिलैक्स एक एटमॉस्फेयर देना चाहिए। और यस, जो मेजर चीज है वो जो करने वाली है वो कप्तान के साथ डिस्कशन है। कप्तान को जो है ना वो काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाली हैं, और आई होप कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो अजहर अली के साथ बैठ के, अजहर अली भी तो अंडर प्रेशर होगा ना, exactly. देखे ना, एक तो क्यों अजहर अली ने इतनी मिस्टेक्स की है, एक उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क बनी हुई है, नॉट इन दिस टेस्ट मैच, वो पिछले काफी सारे टेस्ट मैचों से अंडर प्रेशर है, जिसका इफेक्ट उसकी कप्तानी के ऊपर भी हो रहा है। बिल्कुल सही बात है जी, कम्युनिकेशन करनी चाहिए और जरा रिलैक्स माहौल रखना चाहिए, और सोशल मीडिया से कह रहे हैं कि जरा वही रखें, इतनी